ये भजन टिकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास, डीजे साउंड जनूथन से और कैमरा चला रहे मेरा भाई रामेश्वर गारौली से, ढोलक पर संगति कर रहे आदरणीय मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खंदौली आगरा से, झीका बजा रहे बड़े भाई अनूप छोंकर नगला संजय दाऊ जी से, और कुर्सी पर बैठे प्रीत भैया, और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोंकर सुनिएगा। सभी से बार बार बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन टिकड़ी का आनंद ले रहे उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। देखो हमारा नंबर तो पहलू ऐसी चलेगो, पहलो नंबर हो पहले नंबर पब्लिक जोरवे में चलेगो, अब आधी से पब्लिक भग गई। पर भैया लिखा किसी कवि ने और कहा कैसे, ये वेद शास्त्र सब कह रहे और ये माँ बाप से भड़की और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया फिर वृथा दोष लगायो है। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं, संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेन पानी तक ना, इसलिए इस इंसान को बार बार चेतावनी दी। और भैया मोनू कहा कैसे, और ये कंचन जैसी काया तेरे भैया, और ये कंचन जैसी काया तेरे और कामना मेरी, लेकिन ओ सुन ले हे बंदे, और ये कंचन जैसी काया तेरे और कामना मेरी, लेकिन अरे ओ बाप रे जिमाया संग ना जावे, सोने जैसी काया तेरे क्या, सोने जैसी काया तेरे और काम ना आवेगी क्यों, अरे ओ बाप रे जिमाया संग ना जावेगी। जब कहा आया भी अकेला
ईसवी एक से एक रुपए का पुरस्कार, मोहन सिंह जी छह पोकर वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे, अरे आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला अकेला। और दो दिन की जिंदगी है, और क्या मन रुपए का पुरस्कार फौजी बाबा उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला। और अरे दो दिन की जिंदगी है, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। एक से रुपए का पुरस्कार देसी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, जब कहा अरे भाई बंद और नारी तेरी, क्या अरे भाई बंद और नारी तेरी, रोए रोए मर जावेगी, लेकिन अरे ओ बाप रे जे माया संग ना जावेगी, ओ बाप रे क्या दया, ओ रे हाँ जी, हाँ जी। विद्वानों ध्यान को वहीं लगा दें जहां कि मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी देखिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा नंबर पहला ही था, कुछ श्रोता थे कुछ नहीं थे। रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर पहुंच जाती है, वहां जाकर के देखती है एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, जाकर के उस व्यक्ति से पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। तो रानी पूछ रही है राजा दंग आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, तो राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया, कहा रानी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस घोड़ी से पूछिए। रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई, जाकर के उस घोड़ी से कह रही है देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। जब इतने वचनों को उस घोड़ी ने सुना, उस घोड़ी ने कहा रानी मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूँ। रानी द्रौपदी पूछ रही है फिर कौन है, तो आज उस घोड़ी ने जवाब दिया इंद्रलोक की अप्सरा। देखियो वो घोड़ी कह रही है इंद्रलोक की अप्सरा, और कोई रंभा मेरो नाम, देव सब हमें नाचना को यही हमारो। कह रानी एक दिन ऐसा हुआ सुरपत को दरबार लगो, सुरपत को दरबार लगो जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाच दिखा रही माँ ढोल नगाड़े बाज रहे, सो नाचत नाचत दुर्वासा पे, रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे, जब लामन गिरी हमारी और सब देव हंसे दे तारी। कह रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। आज वो घोड़ी रानी द्रौपदी को बता रही है, और भैया कैसे कहा अब लेकर के क्रोध और ऋषि ने रानी
और हाथ का मंडल लियो है और ले छीटा मारे ए छीटा मारे नीर के मोह पे घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा बेटा आशीर्वाद हमारे दादाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे और 51 रुपए का पुरस्कार पप्पू जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया कहा आहार उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अरे घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, घोड़ी रूप बनाए दियो मेरो, दया न दिल में आई है। अच्छा दो बार दे दे देसी बाबा के नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे भैया ने गिनत रूम में भैया घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, और फिर से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया, नाम बता दो भैया। मोहन सिंह जी 6 बोतल उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा, दयानंद दिल में आई है। ओए अरे हरी कहे, हरी कहे, हरी कहे नानू को मेरी एक बेसना खाई है। कलाकार बारी बारी से आपके सामने उपदेश लगा रहे हैं और देखिए ये भजन टिकड़ी का जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसलिए कराए जाते हैं ताकि हमारे इस समाज में जो कृतियां हैं उन पर कुछ नजर डाली जाए। तो देखिए कभी कह रहा है और वो घोड़ी रानी द्रौपदी से कह रही है, और भैया कैसे अरे बड़े घरों में छोटों का दादाजी की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। है के भैया पूरे
ठीक है, बहुत बढ़िया। उस घोड़ी ने रानी द्रौपदी से कहा, रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं 3:30 बजनभ में, कहा रानी 3:30 बजनभ में जब कोई देव भिड़ाया, अरे छूते सांप बात ना तेरो जब जम के होए भिड़ाइए, ऐसी जंग जबई होई रानी, ऐसी जंग जबई होगी जब कह ले देव मुरारी और सब देव हंसी दे। इतनी बातों को रानी द्रौपदी ने सुना, बाबा मैं अपने आप आ जाऊंगी, हाथ नीच कर लियो, परेशान रह जाएंगे तुम। घोड़ी की इतनी बातों को सुन करके रानी द्रौपदी ने राजा दम को वचन दे दिया, 50 के खुले चाहिए हैं, 10-10 के, 20-20 के, अच्छा लियो। रानी द्रौपदी ने राजा दम को वचन दे दिया, राजा मैं तेरी सहायता, मैं तेरी मदद करूंगी, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तू अग्नि नहीं लगाएगा। आज पहुंच गई धर्मराज के पास में, और देखिए धर्मराज से जाकर के रानी द्रौपदी कह रही है, महाराज मैं एक व्यक्ति को वचन दे करके आई हूँ। भैया आज धर्मराज से रानी द्रौपदी कह क्या रही है सुनिएगा, कहा सबको जाना है, इंसान फिर भी घमंड लिए बैठा है, और भैया समझा रहा है कभी कैसे। कह रहा है
करूंगी। छोकर साहब दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इतने नहीं, बीच में एक छोकर तो मिले भैया, कहा हो तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू। और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया मोनू के लिए, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई अनूप के लिए। बड़े भैया मोहन सिंह जी दे रहे थे 6 पोखरों उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा हो तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू। ओए हो मत चले, क्या हो मत चले अदा की चाल मान जा तू। हो मत चले अदा की चाल, बड़ी सरदारी चाहिए। हेरे लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन मोहन सिंह जी दे रहे 6 पोखर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कहा ए जीना रहनी 100 साल मान जा, मत चले बाबा मत चले मरोरा चाल मान जा तू। हो मत चले मरोरा जावत भैया, हो मत चले मरोरा छोटा सा गीत। और देखिए बंबई वाले कह रहे हैं, निवेदन करूंगी गाने को बड़े ध्यान से सुनिएगा।